रिश्तों की डोर। मनु, नेहा जी, तुम यहां लॉकअप में? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम यहां हो और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। ये आपके पहचान वाली है? मामला क्या है मैडम? वो कल रात इन्होंने अपनी गाड़ी से किसी को उड़ा दिया। उस आदमी की हालत बहुत सीरियस है। कल रात? हाँ, इतनी इंसानियत इन्होंने जरूर दिखाई कि उस आदमी को ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मैडम, उस आदमी के बचने के चांसेस बहुत कम है। हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारे रहन सहन, हमारा मिडिल क्लास स्टेटस, हर चीज से नफरत थी उसे। बाबा, वो एक अलग ही फितरत की औरत थी। बड़े बड़े सोच विचार थे उसके। रईसी और ठाट बाट, इन सब चीजों से शौक था उसका। तो ये सब यहाँ पूरा नहीं हुआ, बस इसी बात की फ्रस्ट्रेशन थी उसे। बाबा, ये तो दादा थे जो भाभी को इतना बर्दाश्त कर रहे थे। कोई और होता तो ये रिश्ता कब का टूट गया होता। लेकिन भाभी तो माँ बनने वाली थी, और जब हम सबको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, हम सब कितने खुश थे। देखो, जो भी हो, नयनिका इस घर की बहू है, सुहास के बच्चे की मां बनने वाली है वो। हमें उसे ढूंढना ही होगा। कल रात से इंस्पेक्टर राव ने कितनी बार बोला कि अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दें, लेकिन ये हर बार ना बोलती। मैडम, अभी तक किसी को कोई खबर नहीं दी। पता नहीं क्या लफड़ा है। इन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि इनके घर वाले इनके लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। शिरके, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। ओके मैडम। मनु, ये सब कैसे हो? और तुमने अपने घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप तो जानती हैं नेहा जी कि पिछले दिनों घर में कितनी परेशानी रही है, लेकिन बाबा के लौट आने से मुश्किल से घर में थोड़ी खुशी आई है। बस मैं उस खुशी में खलल नहीं डालना चाहती। मैं उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मनु, जब कल रात मैंने तुम्हें घर छोड़ा तब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। फिर उसके बाद तुम कहाँ गई थी जो ये एक्सीडेंट हुआ? और कबीर कहाँ है? जी, हुआ ये नेहा जी के कल रात को आपने मुझे ड्रॉप किया, उसके बाद अचानक कबीर ने मुझे बताया कि उसे उसे पूना जाना है एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जो आज सुबह होने वाली है, जिसके लिए उसको कल रात को ही निकलना पड़े ऐसा था। तो अब मैंने ही जिद की कि मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं उसे अपनी कार लेकर टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने गई थी। टैक्सी स्टैंड से वापस घर लौटते वक्त ये एक्सीडेंट हो गया। कबीर इस वक्त कहाँ है? वो तो पूना में है। और तुमने कबीर को अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं किया? अब जी नहीं, एक्चुअली कबीर एक बहुत इम्पोर्टेंट डील के लिए गया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी डील उसके हाथ से छूट जाए, क्योंकि अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ तो वो तो सब कुछ छोड़ के आ जाएगा। इसलिए मैंने कबीर को कुछ नहीं बताया। अच्छा मनु, मुझे ये बताओ, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो कार कहाँ है? वो कार तो वही है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो कार चल नहीं रही थी, तो मैंने उस आदमी को टैक्सी में बिठा के मैं हॉस्पिटल लेकर आई।
और जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारी गलती थी या उस आदमी की गलती थी? नेहा जी, वो कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतनी रात थी और इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। देखो मन, कबीर को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। मैं कबीर को इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं नेहा जी, कबीर को इन्फॉर्म मत कीजिए, उसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। अच्छा कबीर को ना सही, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो बताना ही पड़ेगा ना। मैं सुहास को फोन करती हूँ, प्लीज। देखो जरूर बहू का होगा। देखो जी। हेलो, एक मिनट दादा, आपका फोन। हेलो जी, थैंक यू। और आपकी फीस का चेक भी मैं आपके ऑफिस भेजवा दूंगा जी। क्या हुआ दादा, किसका फोन था? हमारे लॉयर का फोन था। वो जो केस हम जीत गए हैं, वो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। आज हम सारे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शिवानी, हमें फॉरेन ऑफिस जाना चाहिए और सब लेनदारों का पैसा इमीडिएटली रिटर्न कर देना चाहिए। एक एक करके सारा कर्ज खत्म कर देना चाहिए। हर दिन का इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। लेकिन बेटा, ऑफिस जाने से पहले जरा पुलिस में जाकर बहू की मिसिंग रिपोर्ट तो लिखवाओ। बाबा, ना ही हमें पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत है और ना ही आपको नैनिका की फिक्र करने की कोई जरूरत है। आप नैनिका को जानते नहीं, शायद ये उसकी एक और चाल है मुझे परेशान करने के लिए। वो अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से आएगी। और हाँ, अगर ना भी आए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनु, ना तो तुम कबीर को इन्फॉर्म करने दे रही हो, ना ही तुम्हारे घर वालों को। तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त कौन करेगा? नेहा जी प्लीज, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि मैं अपने घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताना चाहती। अगर उसकी वजह से मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म करके परेशान नहीं करना चाहती और ना ही कबीर को नुकसान पहुंचाना चाहती। प्लीज नेहा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दादा को ये बात मत बताना। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कबीर को ही फोन करती हूँ, शायद उसका काम हो गया हो तब तक। आज मैं तेरे घर वालों के सामने खुद अपनी असलियत बताऊंगा। चल कबीर, छोड़ो मुझे कबीर, प्लीज। क्यों, अब क्यों रुक गई तू? अरे डरपोक तो मैं हूं ना, कायर और गीदड़ तो मैं हूं। बहुत सवाल करने लगी हो तुम। छोड़ो मुझे। बैठो गाड़ी में, बैठो। और अगर कुछ निकली ना तो यू आर अ डेड गर्ल, यू नो दैट। Shut up!
हे भगवान, अब न जाने क्या होगा। शिवांगी जी, आगे चले। जी बाबा, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और हाँ, आप नौनिका को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। उसने जो कदम उठाए हैं उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तेजू जी दादा, बाबा का ध्यान रखना। ओके जी। तो समझ में नहीं आ रहा, सुहास अपने होने वाले बच्चे को लेकर, नयनिका को लेकर इतना बेफिक्र क्यों है? उसका रवैया तो ऐसा है जैसे नयनिका के घर छोड़कर चले जाने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ये अजीब बात नहीं है तेजू? एक्चुअली भाभी के व्यवहार के कारण दादा के मन में इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है कि उनके फीलिंग्स खत्म हो गए भाभी के लिए। लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए तो फीलिंग्स खत्म नहीं हुई ना। वो ये क्यों भूल रहा है कि नयनिका उसी के बच्चे की मां बनने वाली है? ये भी समझ में नहीं आ रहा है, नयनिका अगर चली गई तो जूं चोरों की तरह रात को चुपचाप क्यों चली गई? ना कोई चिट्ठी छोड़ी, ना किसी को बताया उसने। रात तक नॉर्मल थी और अचानक। अजीब बात है ये, बहुत अजीब बात है। इस तरह कब तक छुपे रहोगे तुम? और क्या छुपकर बच पाओगे? I don't know. मैं उस वक्त होश में नहीं था। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैं नर्वस हो गया था उस आदमी की हालत देखकर। मुझे ऐसे लगा जैसे वो जिंदा नहीं बच पाएगा, ऑन द स्पॉट मर जाएगा। और तुम तो जानती हो ना, आजकल नशे की हालत में इतना सीरियस एक्सीडेंट करने की कितनी कड़ी सजा होती है। या आई नो, बट अब आगे का क्या सोचा है तुमने? सोचूंगा तो तब जब मुझे पता चलेगा कि उस आदमी का क्या हाल है। स्वीटी प्लीज डू मी अ फेवर, तुम अभी जाकर पता करो कि उस आदमी का क्या हाल है। अभी जाओ। ठीक है, डोंट वरी। थैंक्स। अच्छा सुनो, फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान है, इन केस यू नीड समथिंग। डोंट वरी, आई विल मैनेज। ठीक है, बाय। अगर वो आदमी जिंदा रहा तो डर नहीं है, लेकिन मर गया तो बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी पत्नी तो सत्यवादी हरीशचंद्र की औलाद है। वो पुलिस को अब तक एक्सीडेंट की सारी सच्चाई बता चुकी होगी। और ऐसा ना हो कि कुणाल के केस का सच भी मनु ने पुलिस को बता दिया हो। अयो कामनी मैडम, अब हम क्या बोलेगा तुमको? हम इस फिल्म का डायरेक्टर जी, हम तुमको कहता एक जूनियर आर्टिस्ट, एक जूनियर आर्टिस्ट को इतना इंपॉर्टेंट रोल हीरो का रोल देता। एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुमको एक छोकरा में के नजर आया? एक बात सच्ची सच्ची बोलता, क्या नाम है इसका? कुणाल। हाँ कुणाल, एक कुणाल। सच्ची बोलता, तुम्हारा नमका इस बार वहां बनने के लायक भी नहीं है। और तुम, हम इसको हीरो बनाने की बात करता, हीरो इतना इम्पोर्टेंट रोल जी कैसे दे सकता हम? हम तो इसको क्राउड में भी खड़ा नहीं करेगा। सच्ची बोलता जी। हाँ हम कहेगा तो क्राउड के एक पीछे खड़ा कर सकते हैं। कुणाल कल का सुपरस्टार है मिस्टर स्वामी। आप जैसे डायरेक्टर्स की लाइन लगी होगी इनके घर के सामने। खड़े हो जाइए मिसेस स्वामी। When I'm talking to you, stand up. आप नहीं चाहते कि कुणाल वो रोल करे,
क्योंकि वो एक जूनियर आर्टिस्ट रह चुका है, राइट? मुझे आपकी फिल्म करने से एतराज है मिस्टर स्वामी, क्योंकि आप डायरेक्टर बनने से पहले लाइफ बॉय थे। वी बोथ नो दैट, डोंट वी? इनकी शक्ल ठीक तरह से देख लीजिए मिस्टर स्वामी, क्योंकि कल जब ये सुपरस्टार बनेंगे तो ये घटिया से घटिया डायरेक्टर को डेट देंगे, लेकिन आपको नहीं। एंड नाउ अनदर, यू आर आउट ऑफ द फिल्म। प्रोड्यूसर साहब के लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं और मैं आपके साथ काम करने से इनकार करती हूं। हां दादा, शिवांगी, और कितने चेक साइन करने बाकी हैं? बस दादा एक और। ये किसके नाम? ग्लोबल ट्रेडिंग। कितना अमाउंट? अमाउंट है 16,45,000। ये कैसे? विनोद, तुमने इस पे इंटरेस्ट नहीं जोड़ा? जी, ग्लोबल ट्रेडिंग के मालिक मिस्टर सानी से आज ही सुबह मेरी बात हुई थी और उनके कहने से इंटरेस्ट चार्ज करने से उन्होंने मना कर दिया। कितने अच्छे आदमी हैं, तुम जानते हो शिवांगी। एक यही है जिन्होंने हमें पेमेंट के लिए परेशान नहीं किया, और अब देखो ना, इंटरेस्ट लेने से भी मना कर रहे हैं। दुनिया में अब भी अच्छे लोग बाकी है दादा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनका नाजायज फायदा उठाए। ये जितने भी चेक्स हैं सारी पार्टीज तक आज ही पहुंच जाने चाहिए। जी सर। इधर एक काम करो, हमारे ऑफिस से किसी आदमी को इसकी ड्यूटी पर लगा दो। ओके सर, आप तुम जा सकते हो। ये लीजिए। शिवांगी, तुम जानती हो सबके कर्जे वापस करके बहुत हल्का महसूस हो रहा है, और ना सर पे कितना बड़ा बोझ था। मुझे तो डर था कि अगर हम एक केस आ जाते तो ये सारे लोग कैसे लौटा रहे हैं। सब कुछ बेचने के बाद भी हम ये कर्जे वापस नहीं कर पाते, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ दादा, भगवान ने हमें इस केस में जीत दिलाकर हमारी बहुत बड़ी मदद की है। दादा आप थक गए होंगे ना, चाय पियेंगे? ठीक है, मंगवा लो, उसके बाद हमें निकलना चाहिए। ओके। कौन हो सकता है? कहीं पुलिस तो नहीं है? मुझे तलाशती हुई यहां पहुंच गई। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई पुलिस। अच्छा, कुछ पता चला? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। Look at this. एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर ले लिया, यानी मुझे बचाने के लिए उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हारी बीवी तो बड़ी पतिव्रता टाइप्स निकली, लकी मैन।
लीजिए चाय। थैंक यू। मनु की तस्वीर? मनु की तस्वीर कहाँ पर? दादा दोपहर के अखबार में मनु की तस्वीर छपी है। लेकिन मनु की तस्वीर पेपर में क्यों छपेगी? दादा कल रात से मनु पुलिस की हिरासत में है। यहाँ लिखा है कि उससे कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ दादा, ये दोपहर के अखबार में लिखा है कि वो कल रात से पुलिस की हिरासत में है।